बिलासपुर जिला के कूड़े कचरे के निस्तारण के लिए अब किसी उपयुक्त जगह सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट स्थापित किया जाएगा। इस बाबत प्रशासन ने कार्य योजना तैयार कर ली है और औपचारिकताएं पूरी करने के बाद चिन्हित किए गए 4 स्थानों में से किसी उपयुक्त जगह का चयन कर आगामी प्रोसेस स्टार्ट किया जाएगा। फिर जमीन शहरी विकास विभाग के नाम स्थानांतरित होने पर प्लॉट स्थापना का काम आरम्भ होगा। अहम बात यह है कि बिलासपुर के अलावा घुमारवीं शहर का कूड़ा एक निश्चित स्थान पर इकट्ठा लाया जाएगा, जिससे लंबे समय से चल रही कूड़े के निस्तारण की समस्या का स्थायी तौर पर समाधान हो जाएगा। शहरी विकास विभाग के निदेशक देवेंद्र कुमार गुप्ता ने इस अहम मसले को लेकर बिलासपुर जिला की सभी नगर निकायों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की और गहनता से विचार विमर्श कर अहम सुझाव भी लिए। इसके साथ ही जिलाधीश विवेक भाटिया से भी गहन चर्चा की गई। नगर परिषद में आयोजित मीटिंग के बाद यहां बातचीत में उन्होंने बताया कि जयराम सरकार प्रदेश में कूड़े की समस्या के प्रति गंभीर है और कई अहम निर्णय भी लिए गए हैं, जिसके तहत प्रदेश के 10 शहरों में छोटे छोटे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट स्थापित किए जाने की प्लानिंग चल रही है, जिसके लिए प्रोसेस चल रहा है। यदि बिलासपुर जिला की बात की जाए तो यहां भी कूड़े को ठिकाने लगाने की समस्या है, जिसके स्थायी समाधान को लेकर बैठक में चर्चा की गई। बताया गया है कि बिलासपुर शहर के कूड़े को खैरिया में जिस जगह ठिकाना लगाया जाता है वहां जनता का विरोध है। इसी प्रकार घुमारवीं में भी पिछले काफी समय से कूड़े के निष्पादन की समस्या बनी हुई है। ऐसे में दोनों ही शहरों की कूड़े की समस्या के स्थायी समाधान को लेकर जिला में 4 साइट चिन्हित की गई है, जिनमें एक फैटीधार के पास सड़ियान के जंगल मार्कन के आसपास और लहड़ीस रेल के पास शामिल है। निदेशक के अनुसार एक टीम चारों साइट का विजिट कर किसी एक उपयुक्त साइट का चयन करेगी। मापदंडों के अनुरूप साइट को राजस्व विभाग की ओर से जमीन शहरी विकास विभाग के नाम करवाने के लिए प्रोसेस चलेगा और यह प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद बजट प्लान तैयार कर आगामी कार्य योजना को अंतिम रूप दिया जाएगा। इस योजना को मूर्त रूप मिलने से बिलासपुर घुमारवीं में कूड़े के निष्पादन को लेकर चल रही समस्या का स्थायी हल हो जाएगा। उन्होंने बताया कि कूड़े को रीयूज किया जा सकता है। इसके अलावा बिलासपुर शहर में टॉयलेट्स को लेकर चल रही समस्या का भी स्थायी समाधान किया जाएगा। नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी के आर ठाकुर ने बताया कि पूरम में बने 12 टॉयलेट्स मौजूद हैं, जिनमें से 4-5 को रेनोवेट किया जा रहा है। निदेशक ने आश्वस्त किया है कि जल्द ही टॉयलेट की समस्या के स्थायी समाधान के लिए प्रयास किए जाएंगे। इसके साथ ही शहर में एक दर्शन पार्क है, जिन्हें ग्रीनरी व फूलों से सुसज्जित कर और अधिक आकर्षक बनाया जा सकता है, जहां बच्चों का मनोरंजन हो सके और महिला व बुजुर्गों को भी टहलने की सहूलियत होगी। उसके लिए जमीन की आवश्यकता तो होगी, लेकिन हम इस बात का भी ध्यान रखते हैं कि जहां हम ये कूड़ा इकट्ठा कर रहे हैं और उसके निस्तारण की योजना बना रहे हैं, वहां लोगों को किसी प्रकार की प्रॉब्लम ना हो, दुर्गंध ना फैले, इसके लिए नगर परिषद ने पूरे प्रयास किए हैं। मिट्टी का उसमें लेपन किया जाता है, उसको दबाया जाता है। और आपको आपके माध्यम से मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि आज जिलाधीश महोदय के साथ ना सिर्फ बिलासपुर बल्कि जिला बिलासपुर की अन्य शहरों की भी जो कूड़े की समस्या है उसको लेके विचार से विमर्श किया गया। इसमें फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के, अर्बन लोकल बॉडीज के प्रतिनिधियों ने और अधिकारियों ने हिस्सा लिया। इसमें TCP के और आपके पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अधिकारी भी आए थे। तो हमने ये डिसाइड किया कि जैसे घुमारवीं में भी बड़ा कूड़े का इकट्ठा हो रहा है, तो हमने क्लस्टर अप्रोच लगाई है। अब रेवेन्यू विभाग की तरफ से कुछ एक हमको सुझाव आए कि फेटीधार में या लहड़ी स्लेट में या सड़ियार के जंगल में या एक मार्कंड जगह है आपकी इस बड़ी मशहूर, उसके थोड़ा दूर हम ये ट्राई करेंगे कि अगर हमको वहाँ पर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का प्लांट लगाना है तो कूड़ा इकट्ठा करके ट्रांसपोर्ट करके इन जगहों में से एक, जिसको जिला प्रशासन